आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो ना, आगे बढ़ो। दो कर लेंगे। हाँ, यार तो गाड़ी। हाँ, चला, चला। हम मौजूद हैं इस समय नगर पालिका परिषद मिश्री के जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ है, जो मतगणना आज हुई, उसमें 272 मतों से जो प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी मुन्नी देवी ने विजय हासिल की है और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें कि 272 वोट से जो जीत हासिल हुई वो एक मिश्री नगर पालिका के लिए ऐतिहासिक जीत कही जाएगी। ये भी आपको बता दें कि पिछले चुनाव में 700 वोट से पीछे रह गई थी, लेकिन उनका प्रयास लगातार जारी था और आज जो मतगणना हुई उसमें उन्होंने मिश्री नगर पालिका परिषद में पुनः अध्यक्ष पद पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है और उनके समर्थक इस समय बबलू सिंह जी हैं यहाँ पर। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की थी और उनके सामने कौन कौन सी परेशानियाँ आईं जो उनको इस चुनाव में करनी पड़ी। कितने मतों से जीत हासिल हुई है? 273। क्या क्या परेशानी आपके साथ? परेशानी तो शासन ने हमको होते परेशान किया, 3 दिन पहले एक मुकदमा झोटा लिखवा दिया हमारे समर्थकों को। हो सकता था सबके कितने का हम लोग काउंटिंग नहीं जा पाए, सिर्फ हमारे समर्थक लोग वहाँ पहुँचे, वही लोग सब इलेक्शन जिताए। अब आप जो मिश्रिक के विकास के लिए क्या करना चाहते हैं? मिश्रिक में और नैमिष में सबसे बड़ी दिक्कतें यही हैं, साफ सफाई की। कोई कभी साफ सफाई नहीं हुई है, कोई काम नहीं हुआ है, न कोई पानी की व्यवस्था रही है, टंकी काफ़ी दिन मोटे होके पड़े रहे। तो कोशिश हम लोग यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता की जरूरत वाले काम। मिश्रिक में जो विकास की बात उन्होंने कही है और मिश्रिक में जिस तरह से अगर देखा जाए तो 5 सालों में कोई भी विकास नहीं हुआ, उनका दावा है कि मिश्रिक नगर पालिका में बैठकर वो निश्चित ही विकास की राह दिखाएंगे। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।